शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। एक मिनट का रोड प्लीज। यस। आप हिंदुस्तानी हैं? आपने मुझे पहचाना? नहीं। नहीं? अभी नहीं, नहीं नहीं पहचाना। आप रोने क्यों लगे? ये बहुत दुख भरी कहानी है भैया। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इंडिया में। मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन, मैं मोहन, वो बाएं था मैं दाएं था, और बीच में तुम्हारी माँ थी? नहीं, बाप था। हम तीनों खुशी खुशी जा रहे थे तो अचानक वो मेरी बैग लेके भागा। कौन, बाप? नहीं, चोर। ओ। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं चिल्लाया बापू, वो बैग लेके भाग रहा है, वो भी उसके पीछे भागा। कौन, बाप? मेरा भाई। चोर आगे था, मेरा भाई पीछे था। चोर आगे, मेरे भाई पीछे, दोनों भाग रहे थे, मैं चिल्ला रहा था और वो धड़ाम से गिर गया। तुम्हारा भाई? मेरा बाप। वो पिया हुआ था, पुलिस आकर उसको पकड़ लिया। चोर को? मेरे बाप को। और उसे मारने लगे। पर तुम्हारे बाप को क्यों मारने लगे? वो उन्हें चोर समझ रहे थे, इतने में वो भाग गया। चोर? मेरा भाई। तब से उसको आज तक ढूंढ रहा हूँ। चोर को? नहीं, मेरे भाई को। कमाल है, लेकिन आपका भाई इंडिया में खोया, आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, खोया होता तो बात अलग थी ना, वो तो मौका देख के भाग गया है। और उसे कोई ज्यादा शौक नहीं था, सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो कंगारू देखने का और एक पॉकेट मारने का। अब आप ही बताइए, पॉकेट मारने के लिए ट्रैम से कोई अच्छी जगह है? इसलिए मैंने ये ट्रैम कंडक्टर की नौकरी कर ली। सोचा कभी न कभी यहाँ पॉकेट मारने आएगा और उसे देख लूंगा और उसे मिल लूंगा। आ गया। तुम्हारा भाई? तुम्हारा स्टेशन। सुनिए 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 सुनिए, अगर वो नालायक जिसकी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, अगर वो मिल जाए ना तो ये दे देना मेरा कार्ड। कौन, चोर को? मेरे भाई को, सोहन को। भेजा घुमा दिया मेरा यारी साथ भी ने। He's turning my head. What, me? No, मेरे बाप। आज के वैलेंटाइन डे के फंक्शन में मिस वैलेंटाइन कौन बनेगी? मैं ही बनूंगी। हंसती क्या है? Oh my God, accident! Oh shit! Oh my God, my tail light, my tail light! ये मेरी नई गाड़ी थी। Cool down, cool down. Oh God, you! तुमने मेरी गाड़ी डैमेज कर दी। तुम इंडियंस को जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो दूसरे देश में आकर गाड़ी क्यों चलाते हो? अपने देश में जाकर बैलगाड़ी क्यों नहीं चलाते? ओए मैडम, आजकल इंडियंस जेट, हवाई जहाज और स्पेस में रॉकेट चला रहे हैं, और रही बात डैमेज की, तो आपने ब्रेक मारा, आपका ब्रेक लग गया, मैंने मारा नहीं लगा, जरा सी बात है। ये जरा सी बात है? चलो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि विक्की उसका नुकसान नहीं दे सकता। बोलो कितना हुआ? 50, 100, 200, 300, 400, 500। तुम भी क्या याद रखोगी, किसी रईस हिंदुस्तानी से तुम्हारा पाला पड़ा था। ये लो। थैंक यू। यू लोफा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? कपड़े रीटा के और बातें सीता की। पुलिस 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 पुलिस। एक्सक्यूज मी मैडम, ये इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, क्या पंगा ले लिया आपने? बीच सड़क पर गाड़ी रोककर बातें कर रहे हैं? अगर बातें कर रहे हैं तो गार्डन में जाइए, प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, नाचिए गाइए कूदिए, मेरे पापा कुछ नहीं जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। ऑफिसर, हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करके डैमेज किया है, देखिए, प्लीज अरेस्ट हिम। तो आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। प्रीति, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है? ऑफिसर, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये इससे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, ओके? आई विल सी यू। कब और कहाँ? शट अप। ये तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? है? जुड़वा? हाँ। बचपन में कुंभ के मेले में खो गया था? हाँ। अरे मैं उसे मिल चुका हूँ। कहाँ? जानते हैं, वो ट्राम कंडक्टर बन गया और तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे वो ट्राम कंडक्टर मैं ही हूँ, मोहन। आप सोहन की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि वो पॉकेट मार से तरक्की करके कार चोर बन गया होगा,
और किसी की कार चोरी करके सिग्नल तोड़ के भागेगा और मैं उसे पकड़ लूंगा, यही सोच के मैं ट्रैफिक पुलिस बन गया। हे भगवान, ये कुंभ मेला तूने क्यों बनाया? वेटर। यस सर। टेबल नंबर 7 कौन सा है? टेबल नंबर 7 वो है, लेकिन साहब उस पर बैठना मत। ये ले तेरी पेप्सी। थैंक्स। आई एम सॉरी सर। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? हाँ। जुड़वा? हाँ। बेचारा न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है तुम्हारे लिए। कहाँ है वो? ट्रैफिक हवलदार बन गया वो। अरे वो मैं ही था। पर तुम तो पुलिस में थे। पुलिस में था, वो नौकरी करके भी देख लिया, मगर मोहन का सोहन से कोई मिलन नहीं हुआ। फिर ये वेटर बन गया मैं। उसे एक चीज का बहुत शौक था, मुद्रा सुनने का, और यहाँ तो अंग्रेजी मुद्रा चलता है, इसलिए मैं नौकरी कर ली। मैं ये सोच रहा हूँ कभी ना कभी वो यहाँ आएगा और मेरी मुलाकात। नहीं, आप प्लीज इस टेबल पर बैठिए प्लीज। आप किसी और टेबल पर बैठ जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पागल यहाँ भी आ गया? कहीं तूने तो इसे नहीं बताया था कि हम यहाँ आने वाले? तेरी कसम मैंने इस बार कुछ नहीं बताया। आप इस टेबल पर इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये जोजो की टेबल है। कौन जोजो? अरे शहर के सबसे खतरनाक आदमी का बेटा, वो हमेशा हंसता रहता है। ऐसा कुछ? हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब उसकी हंसी रुक जाती है ना तो लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जब उसकी टेबल पे कोई और बैठ जाता है ना तो उसकी हंसी एकदम से रुक जाती है, फिर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ये होता है ये। और इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि ये लोग इस टेबल पर बैठ गए थे, बस जोजो ने देखा और इनको मार फाड़ कर कटपिस बना दिया। आइडिया शीतल। हाँ। इसको पिटवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे रहने दे, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ उल्टा हो जाए। और अगर मैंने उसे पिटवा दिया तो? लगी 100-100 की शर्त? लगी। यस। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जैसे अच्छे आदमी का फोटो इसमें लगे। मेहरबानी करके यहाँ से उठ जाओ, मेरे बाप वो आगे दौड़ पड़ करेगा। हाय विकी। मेरी बात सुनो। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? मे आई जॉइन यू प्लीज? हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आप यहाँ कहाँ ज्वाइन हो रही है मैम साहब? अरे इस टेबल पर जो ज्वाइन होता है उसके सारे जॉइंट्स निकल जाते हैं। आप किसी और टेबल पर ज्वाइन हो जाइए प्लीज। एक, एक। ये क्या हो रहा है? जानते नहीं कस्टमर्स के साथ कैसे बात की जाती है? ये 7 नंबर टेबल है सर। तो क्या हुआ? ये जोजो की टेबल है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जोजो के आने का टाइम हो गया है, उसका ऑर्डर लेकर आओ। कौन जोजो? जोजो देखिए मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप यहाँ से प्लीज उठ जाइए, ये टेबल रिजर्व्ड है। अगर ये टेबल रिजर्व थी तो आपको इस टेबल पर रिजर्व की प्लेट लगानी चाहिए थी। आप लोग नहीं जानते जोजो बहुत डेंजरस आदमी है। आप क्या समझते हैं? अगर वो डेंजरस है तो मिस्टर विकी भी डबल डेंजरस है। क्यों विकी? हाँ हाँ डबल क्या, ट्रिपल डेंजरस हूँ। अब तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे जोजो आए या भोभो। Come on, baby, dance! Dance, baby! Please आइए आइए बैठिए। <आये। laughs>
बैठिए बैठिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। लगता है ना आपकी शक्ल पसंद नहीं आई। ऐसा फंसाया है कि यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। अरे चल चल। ढक्कन निकल गए। बहुत भूख लगी है। मर गई शीतल। हम जरा ये क्या गए, तुम अपनी औकात पे आ गए। माना कि ये हमें फंसाना चाहती थी, इसका ये मतलब नहीं कि इसे अपने बाप का माल समझकर ले जाओ। वजह से जो इनका नुकसान हुआ है उसके पैसे दो। आज के बाद तू हंसेगा तो लोग तुझ पे हंसेंगे। ए भाई, होटल के नुकसान के पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन इसके बदले में जोजो का बाप तेरा बहुत नुकसान करेगा। चल चल, उससे मिलते हैं। सुनिए, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो $50 इलाज के लिए। कम है
शीतल हाँ? आजकल महंगाई का जमाना है, कोई बात नहीं, ये आप पूरे 500 रख लेना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। ओए मैडम, मैंने आपको जोजो जैसे खतरनाक गुंडे से बचाया, आपके लिए अपनी जान हथेली पे रख के उसके उसके गुंडों से जंग लड़ी, इतना खून बहाया, इतने जख्म खाए, और आप शुक्रिया अदा करने की जगह मेरी इंसल्ट कर रही है। कमाल है, काम लोफर के और बातें सोल्जर की। बिल्कुल। ए, जाके अपनी शक्ल आईने में देखो, बड़ा आया सोल्जर बनने। चल शीतल। और हाँ, ये जो टमेटो सॉस है ना, इसे साफ करना मत भूलना। बड़ी खट्टी है। हेलो। देखा, मैंने अपने दो दांत के बदले में तेरा क्या क्या तोड़ा। अबे ओ पोमेरियन पिल्ले, फोन अपने बाप बुलडॉग को दे। डैड, क्या हुआ? हमको पोमेरियन पिल्ला बोलता है। और हमका बुलडॉग। हैं? बुलडॉग बोला? हम करे फोन का रे, हमारा कुत्ता का फैमिली है। अरे तुम हमको मिला नहीं वरना हम तुमको भी तोड़वा फोड़वा कर फेंकवा देते। तुम बिलीव नहीं करेगा, हम बहुत हरामी हूँ। जब तुम हमसे मिलेगा ना, तुम नर्वस आ जाएगा। हमारा कुत्तों का नहीं टाइगर का फैमिली है। हम लोग भौंकते नहीं हैं, काटते हैं, लोगों को कच्चा खा जाते हैं। अबे डर गया क्या? बोलता काहे नहीं है? हेलो, अबे सुनाई देता है कि नहीं? अरे हम अपने आप से नहीं बात कर रहा हूँ भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ। कमाल है, हम इतनी देर से बक बक कर रहा हूँ। अरे भाई हम पागल नहीं हूँ, कुछ तो बोलो। टोटल 8,500 प्लस 100% टैक्स। क्या बोला? कुल मिलाकर 17,000, राउंड फिगर 20,000। अबे तू किस फिगर को राउंडर स्क्वायर कर रहा है? ये उस तोड़फोड़ की फिगर है जो तुम्हारा बेटा मेरे घर पर करके गया है। तो तू हमसे रुपया लेगा? रुपए नहीं, डॉलर। और सुनो, 3:55 पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुंचेगा। ठीक 4 मैं कैश लेने आऊंगा और 4:05 पर चला जाऊंगा। लेन देन का वक्त सिर्फ 10 का होगा और उस 10 को तुम बहुत सीरियसली लेना, समझे? क्या हुआ डैड? अरे कुछ नहीं, बकवास कर रहा है वो। कहता है 3:55 पर बिल भेजेगा, 10 में पैसा लेकर चला जाएगा, जैसे हम यहाँ पैसा देने के लिए बैठे हैं, गधे हैं हम। अरे हाँ सुनो, ए भाई वो हथियार खरीदने वाले आ गए होंगे, जरा उनको यहाँ ले आओ, कुछ काम वाम करें। जेंटलमैन, हमारे पास मशीन गन है, मौजर AK-47, AK-56, AK-98, जो अभी तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकली है। आप भिली नहीं करेंगे, सबके 2-2 लाख पीसेस हैं। आपको जितनी गन्स चाहिए, वी विल सेंड यू। नेक्स्ट, ये पाइप गन है। पाइप गन यानी कि नल्ली गन, ये नल्ली फोड़ देती है। हर पाइप गन के आर्डर पर 1 दर्जन हमाम साबुन फ्री मिलेगा। हमाम। अब इन्हें जरा हमारा बम सेक्शन तो दिखाओ। Wow, good idea to display bomb. अच्छा तरीका है बम का प्रचार करने का। Thank you. Dad, yes. 355. 355. This is असली बम. This is real bomb. डैड, फोन की रिंग है डैड। हेलो। डरो मत, वो बम नहीं पिल है। अरे तू क्या समझता है, हम डर गया हूं? अरे दिन रात हम ऐसे बम से खेलता हूं, इसी का बिजनेस करता हूं। कहाँ है तू? जॉन। जॉन, क्या हुआ डैड? वो नीचे आ चुका है। नो, यू प्लीज सेंड मनी इन हाफ एन आवर टाइम। बलदेव, बहुत बड़ा सौदा हो रहा है, तू जार्ज को बुलाओ। जार्ज अस्पताल में है भैया। अरे भाई तो रहीम को बुलाओ या कालिया को बुलाओ, वो दोनों भी अस्पताल में है भैया। अरे भाई वो गुरेला भी अस्पताल में है काजी? अनफॉर्चुनेटली भैया वो भी अस्पताल में है।
ये सब अस्पताल में क्या कर रहे हैं? किसी की लाश लाने गए हैं या सबको एड हो गया? You know, Tao, ये सब वो एक इंडियन छोकरे की वजह से हुआ। पहले तो उसने हमारा दांत जलाया, फिर उसने हमारे आदमी की पिटाई की, और तो और हमको बमरिन कुत्ता कहा और इनको बुलडॉग, और इसके बाद तो उसने कमाल ही कर दिया। कहा क्या उसने? उसने तो डैड की पिटाई की और जितना हमने नुकसान किया उतना ही इनसे पैसा ले गया। साला बेशरम, अपने पिटने की कहानी ऐसे सुना रहा है जैसे परमवीर चक्र लेकर लौटा है। ताऊ, वो मामूली छोकरा नहीं है। अरे मामूली नहीं तो का किंग कांग है। हमारी बेइज्जती की कहानी फैल गई तो लौट कर पटना भी ना जा सकेंगे। जाओ हमारे निशांची को लेकर जाओ, क्या कहते उसे, शार्प शूटर, और कह देते हैं बिना सूट किए लौटे तो हम सबको सूट कर डालूंगा। जाओ।